बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एडमिनिस्ट्रेटर न्यू कराची टाउन आफाक सईद ने कहा कि रमजान मुबारक के दौरान खुसूसी सफाई मुहिम के जरिए आवाम को पाक साफ माहौल फराहम कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर न्यू कराची टाउन आफाक सईद और डीडी रेवेन्यू शुजात अली के हमरा मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की कार्रवाई, गिरा फरोशी करने वाले मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर न्यू कराची टाउन आफाक सईद ने कहा कि रमजान मुबारक के दौरान खुसूसी सफाई मुहिम के जरिए अवाम को पाक साफ माहौल फराहम कर रहे हैं। टाउन में मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुधराई के कामों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया अपने तमाम तरबसाइल बरुए कार लाते हुए अवाम को सहूलियात फराहम करने में कोशा है। उनका कहना था कि मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुधराई और रोशनी के इंतजाम मुकम्मल किए जाए ताकि रमजान मुबारक की बाबरकत रातों में इबादत के लिए आने वाले अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि सड़कों की मरम्मत के काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। मजहबी अय्याम के मौके पर अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम टीएमए का खासा मकबूल रहा है। इस हवाले से टाउन इंतजामिया अपने वसाइल के मुताबिक इकदाम और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में टाउन में रहने वाले तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की फजा को कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है।